आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। बीएलडब्ल्यू के आधुनिकीकरण के लिए 213 करोड़ की परियोजना लॉन्च करेंगे। सुबह 9:20 पर दिल्ली से रवाना होंगे पीएम मोदी। 10:40 पर पहुंचेंगे वाराणसी। बीएचयू गेट पर मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण से मोदी करेंगे दौरे की शुरुआत। मालवीय को भारत रत्न देने का हुआ ऐलान। मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर शहर में कड़ी सुरक्षा। पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन मुस्तैद। आज जम्मू कश्मीर जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और अरुण सिंह। सरकार गठन की संभावना तलाशेंगे। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में जेटली और अरुण सिंह को जम्मू कश्मीर का पर्यवेक्षक बनाया गया। विधायक दल की बैठक में रहेंगे मौजूद। डॉक्टर निर्मल सिंह को चुना जा सकता है जम्मू कश्मीर बीजेपी विधायक दल का नेता। सूत्रों की खबर। आज ही पर्यवेक्षक बनकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और विनय सहस्त्रबुद्धे रांची जाएंगे। कल होगा झारखंड के सीएम का चुनाव। हम झारखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। ये पहला मौका है जब से स्टेट बनी है कि प्री पोल अलायंस और किसी एक दल को इतना बड़ा बहुमत मिला है। हम सरकार बनाने की दृष्टि से वहां कदम उठाएंगे। जल्द ही वहां विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की तैयारी में बीजेपी। बीजेपी सूत्रों ने 31 विधायकों के समर्थन का किया दावा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का एक खेमा नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ लेने के पक्ष में। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष जुगल किशोर शर्मा को सुनाया फरमान। सरकार गठन को लेकर ना दे कोई बयान। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा जम्मू कश्मीर में सारे विकल्प खुले हैं, सभी संभावनाएं तलाशने की हो रही है कोशिश। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्यपाल से मिलकर सौंपा इस्तीफा। कहा पीडीपी और बीजेपी पर सरकार बनाने की जिम्मेदारी। झारखंड और जम्मू कश्मीर में पार्टी को मिली हार से नाराज राहुल गांधी। पार्टी महासचिवों से 2 महीने में मांगी रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने पार्टी के सभी महासचिवों को दिया अल्टीमेटम। जनता से सीधे जुड़ने को कहा गया। राहुल ने प्रदेश अध्यक्षों से कहा दिल्ली में बैठने के बजाय जिलों में जाकर वहां के नेताओं से मिलकर रिपोर्ट तैयार करें। नई दिल्ली सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने 8 नामों की एक और सूची जारी की। 2013 में केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से लड़ा था चुनाव। शीला दीक्षित को दी थी करारी शिकस्त। आज कोकराझार और सोनितपुर में हालात का जायजा लेंगे गृहमंत्री राजनाथ सिंह। बोडो हमले पर कल गुवाहाटी में ली थी हाई लेवल मीटिंग। एनआईए कर सकती है असम के कोकराझार और सोनितपुर में हुए उग्रवादी हमले की जांच। सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने असम के सीएम को दिया भरोसा। असम में उग्रवादी हमले के बीच राज्य के मुख्य सचिव ड्यूटी से नदारद। परिवार के साथ काजीरंगा नेशनल पार्क में मना रहे हैं छुट्टियां। मुख्य सचिव जितेश खोसला के रवैये पर मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने जताई नाराजगी। कहा उन्हें फौरन ड्यूटी पर लौटना चाहिए। कोकराझार और सोनितपुर में हुए हमले के बाद सैकड़ों आदिवासियों का पलायन। सुरक्षित जगहों पर शरण ली। दिल्ली के राजौरी गार्डन में लेडी डॉक्टर पर हुए एसिड अटैक मामले में पुलिस की जांच तेज। आरोपियों को पकड़ने के लिए 12 टीमें बनाई गई। पुलिस को शक हमले के पीछे एक तरफा प्रेम का हो सकता है मामला। लेडी डॉक्टर की जल्द होने वाली थी शादी। दिल्ली में एसिड अटैक के विरोध में पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर कैंडल मार्च। दिल्ली पुलिस को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली में अमेरिकी कंपनी कैब में युवती से हुई रेप मामले में पुलिस ने दायर की चार्जशीट। 2 जनवरी को होगी सुनवाई। आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव के खिलाफ पुलिस ने तैयार की 150 पन्नों की चार्जशीट। रेप समेत कई धाराएं लगाई गई। झारखंड में कांग्रेस विधायक के विजयी जुलूस में समर्थकों ने की फायरिंग। शक्ति प्रदर्शन के दौरान खुद विधायक भी मौजूद। पांकी विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं विदेश सिंह। इलाके में दबंग नेता की पहचान। पटना विश्वविद्यालय में एक छात्र के दाखिले को लेकर हंगामा। पुलिस ने किया जमकर लाठीचार्ज। बीकॉम के एक छात्र को दाखिला नहीं मिलने पर भड़के साथी छात्र। झड़प के दौरान कई छात्र घायल, कई पुलिस वाले भी चोटिल। जादवपुर में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को दिखाए गए काले झंडे।
दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के अलावा प्रशासन के साथ की समीक्षा बैठक। मीटिंग से मिले फीडबैक पर चुनाव आयोग 27 दिसंबर को विचार करेगा। सूत्रों के मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते में चुनावी कार्यक्रम का हो सकता है ऐलान। झारखंड और जम्मू कश्मीर में कामयाबी के बाद दिल्ली पर टिकी बीजेपी की नजर। राजधानी में कई जगहों पर लगे नरेंद्र मोदी के पोस्टर। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय का बयान, दिल्ली में मोदी ही होंगे पार्टी का चेहरा। दिल्ली में भी मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाला जो चुनाव है उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग लड़ेंगे। मेरठ में लगेगी राष्ट्रपति महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे की मूर्ति। मंत्रोच्चार के बीच हुआ भूमि पूजन। गोडसे की मूर्ति लगाने के पीछे अखिल भारतीय हिंदू महासभा। 30 जनवरी को मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम। यूपी के सीतापुर में भी गोडसे का मंदिर बनाने की योजना। हिंदू महासभा ने किया 30 जनवरी को शिलान्यास का ऐलान। धर्मांतरण कार्यक्रम से आर्य सभा का इनकार। कहा श्रद्धानंद के बलिदान दिवस पर हर साल आज के दिन रामलीला मैदान में होती है सभा। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन आज, सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी केंद्र सरकार। गुड गवर्नेंस डे पर आज कई कार्यक्रम। रविशंकर प्रसाद आईटी और दूरसंचार से जुड़ी नई योजना का करेंगे ऐलान। गुड गवर्नेंस डे के उपलक्ष में नॉर्थ एमसीडी ने की यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड योजना की शुरुआत। संपत्ति कर के डिफॉल्टरों पर रखी जाएगी नजर। गुड गवर्नेंस डे पर ममता बनर्जी ने ली चुटकी, कहा हर दिन होता है सुशासन का दिन। एवरी मोमेंट इज वर्किंग मोमेंट, एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट, एवरी ईयर, एवरी डे, एवरी मंथ, व्हाई फॉर अ पर्टिकुलर डे। गाजियाबाद से लपता रियल एस्टेट कारोबारी अभिषेक गुप्ता का शव गजरौला में मिला, प्रेमी जोड़ा गिरफ्तार। 19 दिसंबर से लापता थे अभिषेक गुप्ता। आरोपी लड़की के मुताबिक यौन शोषण कर रहा था कारोबारी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में केनरा बैंक के एटीएम से लाखों कैश ले उड़े बदमाश। एटीएम को कैश कटर से काट कर निकाला कैश। लूट के वक्त एटीएम पर नहीं था कोई गार्ड, एटीएम में रखी गई थी 8 लाख की राशि। अमृतसर में वाहन चोर गिरोह के बड़े गैंग का पर्दाफाश, 35 लग्जरी गाड़ियों के साथ 7 बदमाश गिरफ्तार। सिंगापुर और वियतनाम में अच्छी नौकरी का झांसा देकर मुंबई में ठगी की वारदात, 3 करोड़ लेकर फरार हुई कंपनी। मुंबई डेल्टा सॉल्यूशन नाम की कंपनी पर ठगी का आरोप, 300 लोगों को लगाया चूना, मामला दर्ज। कंपनी ने नौकरी लगवाने के लिए हर शख्स से लिए थे 80,000 से 1.5 लाख रुपए, कंपनी का मालिक हरीश राठौड़ फरार। कल्याण महानगर पालिका के कर्मचारियों की गुंडई, 2 टेम्पो चालकों को जमकर पीटा। एक मैरिज हॉल का मलबा लेकर पालिका दफ्तर पहुंचे थे टेम्पो चालक, अवैध निर्माण के तहत पालिका कर्मचारियों ने ही तोड़ा था मैरिज हॉल। दिल्ली एयरपोर्ट पर और 15 दिनों तक निगरानी में रहेगा इबोला का संदिग्ध मरीज, 10 नवंबर से निगरानी में है लाइबेरिया से लौटा शख्स। चंडीगढ़ में बर्ड फ्लू के डर से चिकन की बिक्री घटने पर मीट एसोसिएशन ने शहरवासियों को दी चिकन की दावत, प्रशासन ने भी दिया बर्ड फ्लू ना होने का सर्टिफिकेट। राजकोट की मेयर का बेतुका बयान, कहा जींस और शॉर्ट टॉप्स पहनने से होती है छेड़खानी। नरवाना में खाद की किल्लत पर किसानों का प्रदर्शन, दिल्ली बठिंडा रेलवे ट्रैक पर लगाया जाम। दिल्ली के बादली इलाके में दलदल में समाई आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग की कार, बाद में क्रेन से निकाली गई। महाराष्ट्र विधानसभा का शीत सत्र खत्म, केलकर रिपोर्ट पर चर्चा न होने पर आखिरी दिन विपक्ष ने सरकार पर लगाया किसानों से धोखे का आरोप। शिवसेना ने की बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न देने की मांग, मनोहर जोशी ने कहा अटल की तरह बाला साहब को मिले भारत रत्न। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देने का किया स्वागत, अटल को बताया महान राजनेता। पंजाब में आम लोगों को सिख धर्म से जोड़ने के लिए एसजीपी ने धर्म प्रचार कमेटी का विस्तार किया, कमेटी में सदस्यों की संख्या 27 पहुंची। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कल कई ईसाई संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी से की मुलाकात, क्रिसमस की दी बधाई।
संघ प्रमुख मोहन भागवत का आरएसएस कार्यकर्ताओं से आह्वान, समाज को एकजुट रखना संघ की जिम्मेदारी। दिल्ली में संघ के पूर्व प्रमुख रज्जू भैया पर किताब का लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे भागवत। समारोह में वीएचपी नेता अशोक सिंघल भी थे मौजूद, कहा जारी रहेगा घर वापसी का कार्यक्रम। पीएम मोदी की तारीफ में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान, बड़ौत में कहा राम नाम की तर्ज पर विदेश में मोदी नाम की माला जप रही है। जिस भी राष्ट्र में चला जाता है जैसे हम लोग राम राम की माला फेरते हैं, ऐसे लोग मोदी 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 की माला फेरते हैं। राष्ट्र के नाम संदेश में पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने आतंकियों को चेताया, कहा दहशतगर्दों के दिन गिनती के। पेशावर स्कूल अटैक पर बोले नवाज शरीफ, कहा मासूम बच्चों की चीख अब भी मेरे कानों में गूंजती है। मॉन्ट्रियल की अदालत में सन की खातिर लुका रोको की दी उम्र कैद की सजा, 2 साल पहले चीनी छात्र का किया था कत्ल। चीन में लांझाओ और उरुमकी के बीच 16 किलोमीटर लंबी सुरंग पर आज से दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन, कल हुआ ट्रायल रन। किलियांगशान पहाड़ पर करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर बना है रेल टनल, लांझाओ और उरुमकी के बीच दूरी 21 घंटे से घटकर 8 घंटे रह जाएगी। चीन के चोंगकिंग शहर में कल कोहरे ने मचाया कोहराम, एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम। दुनिया भर में क्रिसमस का जोरदार जश्न, बेथलेहम में मिडनाइट मास में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। अफगानिस्तान के बगराम एयरफील्ड पर अमेरिकी फौज ने क्रिसमस पर की प्रार्थना, अपने परिवार वालों को भी याद किया। मैनहट्टन में क्रिसमस पर खरीदारों की उमड़ी भीड़, आखिरी मिनट तक गिफ्ट तलाशते रहे लोग। दिल्ली में भी क्रिसमस की धूम, गिरजाघरों में मिडनाइट मास में शामिल हुए श्रद्धालु। क्रिसमस पर रोशनी से जगमगाया मुंबई के माहिम का माउंट मैरी चर्च। कोलकाता में भी देखी गई क्रिसमस की रौनक, मध्य रात्रि की प्रार्थना में जुटे श्रद्धालु। क्रिसमस की रौनक में चेन्नई भी पीछे नहीं, क्रिसमस मनाए जाने की ये तस्वीरें चेन्नई की हैं। पुणे में खूब झलका क्रिसमस का उत्साह, चर्च के बाहर लोगों ने जलाई मोमबत्तियां। क्रिसमस कैरोल से गूंजा बेंगलोर शहर, जीसस से विश्व शांति और खुशी की दुआ की। रायपुर में भव्य क्रिसमस ट्री देखने उमड़े लोग, रोशनी से सजे गिरजाघर। भोपाल में बेहद भव्य अंदाज में मनाया गया ईसा का जन्मदिन, मध्यरात्रि होते ही बज उठी गिरजाघर की घंटियां। शिमला में क्रिसमस की धूम, यीशु से की गई शांति की दुआ। इंडियन सुपर लीग जीतने वाली कोलकाता टीम के लिए रंगारंग सम्मान समारोह का आयोजन, सीएम ममता बनर्जी ने किया सम्मान। ममता बनर्जी ने चैंपियंस को खुद खिलाई मिठाई, आईएसएल फाइनल में केरला ब्लास्टर्स को हराकर चैंपियन बनी है कोलकाता टीम। क्रिकेटर यूसुफ पठान पर दर्शक को चाटा मारने का आरोप, जम्मू कश्मीर के खिलाफ मैच के दौरान हुटिंग से नाराज थे पठान। सायना नेहवाल ने ग्रेटर नोएडा में लॉन्च किया अपना पहला बैडमिंटन अकेडमी, गौर सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अकेडमी। अकेडमी की लॉन्चिंग के बाद सायना का वादा, कहा शेड्यूल से वक्त निकालकर युवाओं को बैडमिंटन के हुनर सिखाऊंगी।